नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके साथ गुप्ता डायनेस्टी और जो अदर इम्पोर्टेंट एम्परर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये सारे ही जो क्वेश्चंस हैं या जो फैक्ट्स हैं हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, अ पोएम रिटन इन प्रेस ऑफ किंग इज कॉल्ड। तो ऐसी पोएम जो कि किंग के प्रेस में लिखी जाती थी उसे क्या कहते हैं? तो वो कहलाती है दोस्तों प्रशस्ति। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। जो प्रशस्ति होती है वो दोस्तों जो किंग्स के अचीवमेंट्स होते थे, मिलिट्री एक्टिविटीज होती थी, उनको जो है वो उस प्रशस्ति में दर्शाने का काम करती थी। ये ऐसी ही कुछ प्रशस्ति और भी किंग्स के लिए लिखी गई थी। उनमें से एक एग्जाम्पल जो हम यहाँ पे आपके साथ शो कर रहे हैं वो है इस पिक में जूनागढ़ प्रशस्ति, जो कि रुद्र दमन के बारे में पूरा इंस्क्रिप्शन देती है। तो और ये ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों कि ये जो है पहली प्रशस्ति है जो कि देखी गई थी एंशियंट हिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पोएट कंपोज्ड काव्य इन समुद्रगुप्ता'स किंगडम। कौन से ऐसे पोएट हैं जिन्होंने काव्य कंपोज किया था समुद्रगुप्त के किंगडम में? तो वो थे दोस्तों हरिशेन जी। यानी कि इसका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और एक बहुत ही लंबा सा इंस्क्रिप्शन जो है समुद्रगुप्त जी के बारे में उन्होंने इंस्क्राइब किया हुआ है अशोकन पिलर पे। और ये साइड में जो हम आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं पे, यही है अशोक पिलर जो कि है इलाहाबाद में। और इस पे जो है इंस्क्राइब किया हुआ है समुद्र गुप्ता जी के बारे में हरिशेना ने। और ये जो है कंपोज किया गया था, जैसे अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया, काव्य के तौर पे हरिशेना के द्वारा, जो कि एक पोएट थे और काफी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर भी माने जाते थे समुद्र गुप्ता जी के किंगडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज दी महादंड नायिका इन समुद्रगुप्ता'स किंगडम। तो महादंड नायिका जो है समुद्रगुप्त के किंगडम में कौन कहलाते थे? तो ये है दोस्तों आपके सामने ऑप्शंस। तो वो थे दोस्तों हरिशेन जी। यानी कि इसका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज कुमार अमात्य, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर जिसे की बोलते हैं, वो कौन थे समुद्रगुप्त जी के किंगडम में? तो वो थे दोस्तों हरिशेन जी ही। यानी कि इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज संधि विग्रहिका मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। संधि विग्रहिका मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस जो है वो किसे कहा जाता था समुद्रगुप्त जी के किंगडम में? तो वो कहलाते थे दोस्तों हरिशेन जी। यानी कि इसका जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज पर हरिशेना हु वर द रूलर ऑफ आर्यवर्ता। तो हरिशेना के अकॉर्डिंग जो रूलर थे आर्यवर्ता के वो कौन थे? तो दोस्तों हरिशेना ने एक्चुअली में जो है चार टाइप के रूलर्स का जिक्र किया था। उनमें से कुछ जो टाइप ऑफ रूलर्स हैं वो हम आपके साथ दो टाइप ऑफ रूलर्स जो है अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो अभी ये क्वेश्चन है उसके बेसिस पे जो हरिशेना जी थे उन्होंने जो रूलर ऑफ आर्यवर्ता को डिस्क्राइब किया था वो थे दोस्तों 9 रूलर्स। यानी कि वो जो रूलर ऑफ आर्यवर्ता थे वो टोटल 9 थे। और आर्यवर्त का मतलब जो होता है वो होता है लैंड ऑफ आर्यास, यानी कि आर्यंस। और ये जो आर्यवर्ता के रूलर थे उन्हें जो है अप्रूव करा था, और या एक तरह से बोल सकते डिफीट करा था, और उनका जो किंगडम जो है उसे समुद्रगुप्त का किंगडम का पार्ट बना लिया था समुद्रगुप्त जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज पर हरिशेना हु वर द रूलर ऑफ दक्षिणापाथा। तो दक्षिणापाथ के रूलर जो है वो कौन थे? तो हरिशेना के अकॉर्डिंग जो रूलर थे दक्षिणापाथ के वो जो है उसमें 12 रूलर्स जो है एग्जिस्ट करते थे। यानी कि इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ये जो सारे रूलर्स थे दोस्तों ये सारे ही सरेंडर कर दिए थे समुद्रगुप्ता जी को, और उन्होंने उन्हें फिर उसके बाद जो है इजाजत दे दी थी देन उन समुद्रगुप्त जी ने कि वो वापस से वहां पे रूल कर सकते हैं। आप यहाँ पे साइड में पिक में देख भी सकते हैं दोस्तों कि जो एम्पायर है चंद्रगुप्त 1 का, समुद्रगुप्त का, और जो चंद्रगुप्त 2 का वो कहाँ कहाँ पर उसका एक्सटेंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और उसके पहले दोस्तों पर हम ये बताना चाहेंगे कि जो दक्षिणापाथ जो रूलर्स थे वो थे कौन। तो हालांकि इस पे अभी भी डिबेट है और जो क्लियरली नेम्स है राजा के वो डिबेटेड हैं, बट जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है ये जो 12 रूलर्स थे ये दक्षिणापाथ रूलर्स जो है कहलाते थे। और ये जो है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है उसके अकॉर्डिंग जो ये दक्षिणापाथ के रूलर्स हैं उनकी जानकारी जो है वो ये मिलती है हमें।
तो पहले जो थे वो थे व्याघ्रा राजा ऑफ महाकंतारा, देन थे मंत राजा ऑफ कुरला, महेंद्र गिरी ऑफ पिश्तापुरा, स्वामी दत्ता ऑफ कोटुरा, दामना ऑफ इरांडपल्ला, कृष्ण गोपा ऑफ कांची, नील राजा ऑफ अवामुक्ता, हस्ती वर्मन ऑफ वेंगी, उग्रसेना ऑफ पल्लका, कुबेरा ऑफ देवराष्ट्रा, धनंजया ऑफ कुशथालपुरा, महेंद्र ऑफ कोसला। तो ये जो थे ये 12 रूलर्स थे दक्षिणापाता के। और समुद्रगुप्ता ने क्या कर रहा था, इनके एरिया को कैप्चर कर लिया था, देन उसके बाद जैसे अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया, उनके एरिया को देन रिलीज कर दिया था और उन्हें अलाउ कर दिया था कि वो फिर से रूल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे। तो वो थे दोस्तों चंद्रगुप्त वन, यानी कि इसका जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी टू एडॉप्ट महाराजा अधिराजा टाइटल। तो जो गुप्ता डायनेस्टी है उनके अंतर्गत ऐसे कौन से पहले महाराज थे या किंग थे जिन्होंने महाराज अधिराजा का टाइटल खुद को दिया था। तो वो थे दोस्तों चंद्रगुप्त वन, यानी कि इसका भी ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। एंड देन उसके बाद ये जो टाइटल है, देन उनके जो सन है समुद्रगुप्ता, उन्होंने फर्दर फॉलो किया और आगे कुछ महाराजाओं ने भी फॉलो किया, पर जो पहले थे जिन्होंने गुप्ता डायनेस्टी के जिन्होंने ये टाइटल को एडॉप्ट किया था वो थे चंद्रगुप्त जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त, सक्सेसर जो थे चंद्रगुप्त के वो कौन थे। तो अभी हमने जैसे कि डिस्कस किया दोस्तों, वो थे उनके सन समुद्रगुप्त जी, यानी कि इसका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ये जो है कुछ ये समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के इंस्क्रिप्शंस हैं कॉइन्स पर, वो आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं दोस्तों, ये जो हमने आपके साथ पिक शेयर करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द सक्सेसर ऑफ समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जी के सक्सेसर कौन थे। तो वो थे दोस्तों चंद्रगुप्त टू जी, यानी कि इसका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच किंग डिफीटेड शाकास एंड गेव हिमसेल्फ टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। तो ऐसे कौन से किंग हैं जिन्होंने शाकास को डिफीट किया था और खुद को जो है विक्रमादित्य का टाइटल दिया था। तो वो थे दोस्तों चंद्रगुप्त टू। जो शाकास थे वो एक तरह से एडवांस कर रहे थे या कोशिश कर रहे थे कि वो सिंध से मालवा की तरफ आए और 1st सेंचुरी BCE के अराउंड, पर उन्हें जो है विक्रमादित्य ने जो है डिफीट कर दिया था, यानी कि चंद्रगुप्त टू ने डिफीट कर दिया था, रोक दिया था। चंद्रगुप्त टू जो है उन्होंने ही लेटर इस टाइटल को फिर एडॉप्ट किया जो कि है विक्रमादित्य। इसका मतलब दोस्तों ये भी होता है सन ऑफ पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डिड हर्षवर्धना रूल, हर्षवर्धना ने कब रूल किया। तो उन्होंने जो है रूल किया था 1400 साल पहले लगभग, 590 से 647 CE। और उन्हें जो है एक तरह से बोला जाए तो शॉर्ट फॉर्म में उन्हें हर्षा भी कहा जाता था, उनका नाम हर्षा भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पोएट रोट हर्षचरिता बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धना। तो कौन से पोएट है जिन्होंने हर्षचरिता बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धना लिखी। तो वो थे दोस्तों बाणभट्ट जी, यानी कि इसका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं दोस्तों, उन्होंने जो बुक भी जो है ये बाणभट्टा जी ने ये हर्षचरिता को कंपोज करवाया था, लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच लैंग्वेज वॉज यूज्ड बाय बाणभट्टा इन हर्षचरिता। तो हर्षचरिता में बाणभट्ट ने कौन सी लैंग्वेज को यूज किया था। तो वो यूज किया था दोस्तों संस्कृत लैंग्वेज को, यानी कि इसका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। वैसे बाणभट्टा ने एक और बुक लिखी थी, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डिड हर्षवर्धना रूल, हर्षवर्धना ने कहाँ पे रूल किया था। तो उन्होंने जो है दोस्तों रूल किया था थानेसर में, कन्नौज में, यानी कि इन दोनों ही जगह पे रूल किया था, और साथ ही साथ में मगध में भी रूल किया था। और उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया था पंजाब से ओडिशा की तरफ। ये जो थानेसर है दोस्तों ये प्रेजेंट डे में हरियाणा है, हरियाणा का पार्ट है। तो ये जो है जो ये मैप में हमने आपके साथ साइड में पिक में शो किया, यही है पूरा हर्ष का एम्पायर, हर्षास एम्पायर जो कहलाया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच किंग स्टॉप्ड
हर्षवर्धना फ्रॉम एंटरिंग डेक्कन इन साउथ। तो कौन से किंग थे जिन्होंने हर्षवर्धना को स्टॉप किया था एंटर करने से डेक्कन में साउथ में? तो वो थे दोस्तों पुलकेशिन टू, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रूलर माने जाते हैं चालुक्य डायनेस्टी के, यानी कि इसका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब दोस्तों हुआ क्या था कि हर्षवर्धना जी हैं जो उन्होंने किंगडम जो कन्नौज का है उसे टेक ओवर कर लिया था, एंड उन्होंने जो है अपनी आर्मी को लेकर जो है वो वहां से चल दिए थे, और उन्होंने बंगाल को भी अटैक किया, और उन्होंने बंगाल को भी जो है एक तरह से बोला जाए तो कन्क्वायर कर लिया, और मगध को भी कन्क्वायर कर लिया। पर जब उन्होंने साउथ में एंटर करने की कोशिश करी तो पुलकेशिन टू जो थे उन्होंने उन्हें रोका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच प्लेस वॉज द कैपिटल ऑफ पल्लवास? कौन सा प्लेस जो है कैपिटल ऑफ पल्लवास कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों कांचीपुरम, यानी कि इसका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आप यहाँ पे साइड में दोस्तों देख सकते हैं साउथ में ये जो एरिया है पल्लवास का, जो जहाँ पे ये रूल करते थे, यहाँ पे इनका जो कैपिटल कांचीपुरम जो है वो स्थित था, और ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेस माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हू वर उर कौन हुआ करते थे? तो उर जो है दोस्तों वो थे विलेज असेंबली, और इसमें जो है लैंड ओनर्स हुआ करते थे, ब्राह्मण्स नहीं हुआ करते थे जनरली, और ये जो है एक जनरल असेंबली थी विलेज की, जहाँ पे जो लोकल रेसिडेंट्स थे वहाँ के, जो लोकल लोग थे वो डिस्कस करते थे मैटर्स को, इम्पोर्टेंट जो इश्यूज होते थे उनको, बिना किसी फॉर्मल रूल या प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज नगरम? नगरम क्या था देन? तो नगरम जो था दोस्तों वो जो है ऑर्गेनाइजेशन था मर्चेंट्स का, और ये जो है इसे कंट्रोल करते थे ज्यादातर, ये जो असेंबली थी उन्हें पावरफुल लैंडलॉर्ड्स और मर्चेंट्स जो है कंट्रोल करने का काम करते थे। जो चौला पैटर्न है कमिटी का उसे कहा जाता था उस समय वरियम, और उधर पे जो है तीन टाइप्स के विलेज असेंबलीज थी, कहाँ पे? छोला मंडलम में। एक थी दोस्तों उर, जो कि हमने इसके पहले डिस्कस किया, देन थी सभा और महासभा, और देन थी एक नगरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु रोट कदम्बरी? कदम्बरी जो है किसने लिखी? तो अभी हमने जैसे दोस्तों डिस्कस किया उसे जो है लिखा था दोस्तों बाना भट्ट जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्षवर्धना वॉज मेंबर ऑफ विच डायनेस्टी? हर्षवर्धना जो है मेंबर थे किस डायनेस्टी के? तो वो थे दोस्तों मेंबर वर्धना डायनेस्टी के, यानी कि इसका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द सन ऑफ प्रभाकर वर्धना? प्रभाकर वर्धना जी के सन कौन थे? तो वो थे दोस्तों हर्षवर्धना जी, यानी कि इसका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु डिफीटेड हुना इन्वेडर्स? हुना इन्वेडर्स जो थे, जो आक्रमण कर रहे थे बाहर से, उन्हें किसने डिफीट किया था? तो उन्हें जो है डिफीट किया था प्रभाकर वर्धना जी ने, यानी कि इसका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग चाइनीज रूलर विजिटेड हर्षवर्धना's किंगडम? तो कौन से ऐसे चाइनीज रूलर थे जिन्होंने हर्षवर्धना के किंगडम को विजिट किया था? तो वो थे दोस्तों ज्वांग ज़ैंग, यानी कि इस क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।